दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस महान संगीतकार के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही कम पिक्चरों में म्यूजिक दिया है, लेकिन अमर म्यूजिक दिया है। इन्होंने मात्र 7 पिक्चरों में म्यूजिक दिया है। हम बात करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर रामलाल के बारे में। म्यूजिक डायरेक्टर रामलाल 1921 में काशी बनारस में पैदा हुए। ये 1942 में बॉम्बे आए तथा इन्होंने राम गांगुली साहब को के म्यूजिक डायरेक्शन को ज्वाइन करा। राम गांगुली साहब उस समय पृथ्वी थिएटर से जुड़े हुए थे, जो पृथ्वीराज कपूर जी के पास इनको लेके गए। पृथ्वीराज कपूर जी ने इनको पृथ्वी स्टूडियो में नौकरी दी। ये इन्होंने भारतीय फिल्मों में सबसे पहले शहनाई, बांसुरी और जल तरंग का इस्तेमाल करा। ये जब असिस्टेंट थे राम गांगुली जी के, जब इन्होंने मुकेश का बहुत ही अमर गाना, जो स्टार्टिंग का ही गाने में से एक था, जिंदा हुए इस तरह के कम गमे जिंदगी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया। इसमें सहायक कंपोजर के रूप में म्यूजिक दिया है। इनने राज कपूर की और वैजयंती माला की पिक्चर तांगे वाले से अपना म्यूजिक करियर शुरू करा। बदकिस्मती से यह सफल नहीं हो पाई पिक्चर। उसके बाद इन्होंने कई छोटी मोटी पिक्चरों में म्यूजिक देने के बाद इनको बड़ा चांस लगातार 2 पिक्चरों में मिला। वो दिया वी शांताराम जी ने, जो पहली पिक्चर उनकी सेहरा थी। तकदीर का फसाना, तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुना इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना। तथा बाद की पिक्चर थी गीत गाया फत्तरों ने। गीत गाया फत्तरों ने राजेश्री और जितेंद्र की डेब्यू पिक्चरें थी। और इन्होंने इन 2 पिक्चरों में जो अमर संगीत दिया, आज तक वो प्रसिद्ध है। बाद इनको ज्यादा काम नहीं मिला और यह बड़ी गरीबी के अंदर 2010 में इनका बॉम्बे में निधन हुआ, मुंबई में इनका निधन हुआ। पर इन्होंने जो 7 पिक्चरों में म्यूजिक दिया है, इससे यह पूरी दुनिया में अमर हो गए हैं। धन्यवाद।